बड़े बड़े दावे कर रहे हैं फसल बीमा योजना की बात करा दावे सरकार के हमने पोर्टल पर कदम शिकायत दर्ज करवाई और खुले पाया सिस्टम भाई साहब मेरी सरसम पड़ी है लगे कोई ठाणिया नहीं आंदा भले आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा तेरे किले नहीं चढ़ रहे पटवारी ना कर देखिए को नहीं तेरा किले मेरा 14 किले में सरसम थी 8 किले मेरी वेरीफाई कर रखी है 6 किले की कित लेकर दूं भाई जो ये कहूँ हक बल्ला भाई तेरा 8 में है पटवारी का बढ़ना घेर रहे हूँ वोट लेगा मेरी सरसम देख सको भाई किसान का गला के बीतता है पूरा साल जी वो मेहनत कर रहे है गोडे रगड़े है खून पसीना एक रहे है धरती का सीना चीर के और ये सोना बैर काट है और वो सोना फिर न्यू न्यू धक्के खाने पड़े उन्हें इनका तो रनी आवांगे तो फिर ये एक बार उरा आना जी भाई दिखाओ एक बार देखा जो मॉइस्चर की अगर बात है एक 12 माह सरकार का एक नारा जी ना लेवांगे ना लेने देंगे किसी यानी के भाई किसान की रे रे माटी बिरान माटी बदीन माटी और बंके दाड़े एक मिनट देते होंगे हमने हां भाई अटाणी देते होंगे हमने हां अटाणी का रास्ता हो हमारा सारे भाई मोड़वा लिखे और दो चार दिन में अपना ट्रेन लीवर पर उड़ पहुंच जाओ भाई ते भाई मैं 3 साल पहले फौज में था अच्छा फौज में नहीं मान यार दाड़ा बहुत तंगी है ई बाग खेती करन लग गया फौज में सोचा करते तंगी है हां ई बाग आके देखा नु मन हट के फौज में को बुला ले तो फौज में सुखी थे जनों तो हैं घणे सुखी थे तो भाई फिलहाल मैम की अनाज मंडी तय लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो किस तरह यहाँ किसान का जो सोना है वो मंडिया में आना शुरू हो गया लेकिन किसान के लिए कई डाल की समस्या भाई क्योंकि जिस तरह व्यापारी की अगर मैं बात करूँ तो उनका जो माल है वो गोदाम में है लेकिन किसान की अगर मैं बात करूं तो लगातार पिछले काफ़ी दिनों से बारिश चल रही है बारिश ओले कांकड़े और भाई आवारा पशु उसके गले गले और बिरन के समस्या किसान ने बनी रहे हैं ई मैम के अनाज मंडी में हम पहुँचे तो किसाना के मार तरफ फोन आए तो किसान भाई ने कह बोलिया एक और नई समस्या हमने आन तक रही है सारे भाइयों ने राम राम मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक और किसान की इस बड़ी समस्या का लाग जो ढेक कित गए भाई वो जिसका फोन आया था आज और सीट पाजी भाई के नाम है अंकित नाम है जी अंकित भाई के मेरे तरफ फोन आए नो बोले बोले आज जो नज़दीक की अनाज मंडी होया कर दी वह किसान के गले कनेक्ट होया कर दी और किसान अपनी फसल जो है अपनी नज़दीक की अनाज मंडी में घेर कर निहाल हो जा करता लेकिन फिलहाल नई समस्या की जाएगी इवनू है जी इवनू का है आड़ा मंडी वाले इवनू का है कलानोर लेकर जाओ जी अच्छा कलानोर हम क्यों कर लेकर जाओ इव ट्रैक्टर मार पर है नहीं जी और वे साइलो में लेकर कहने की क्या अभी कलानोर के साइलो में किसान सीधी फसल ओड़े भेजे हम साइलो में क्यों कर लेकर जाओ जी 5,000 रुपये मांग लिया जी इतने हमारे गेहूँ होंगे इतने वो हम उन किराया दे देंगे जी हम भी थे नहीं इनको भाई साइलो में बोलो आगे गेहूँ तो जी ये भैया सरकार ने देखना चाहिए जी हमारे पास ना के में रोजगार जी एक खेती करके हम गुजारा चला रहे हाँ बिल्कुल किराया इतना दे देंगे जो जी हम खावांगे के यानी कि एक सामान्य किसान जी भी इस तरह यहाँ ट्रैक्टर ट्राली में या कि में और साधन में अपना माल लेकर आवे अपने गेहूँ जीव लेकर आवे है 800 रुपये लाग रहे जी मेरा यार्ड कराया अच्छा यार्ड तो इबूड कलान और लेकर जाऊंगा तो जी अगला भी नुकोगा मन और भी काम है भाई 2500 लाग जाए केवरा फालतू भी लाग जाए जी और उसे केवरा उड़ा कितना टाइम लाग जाए उड़ा तो ना आन पाओ जी है भाई लागेगा उड़ा कट भी तो लागेगा उड़ा साफ के इसके जाहिर के जब लाओगे कट भाई जाओगे इसमें अलग से है जाहिर लाके ना 3,000 लाके जब कट लाओगे इसमें अच्छा भाई एक बात और लिकट कांड लग रही है साइलो में जीव देना पड़ेगा तो इसको झाड़ना पड़ेगा सफाई करनी पड़ेगी जीव जाके पास होगा के पास होगा यू के नाम भाई सोमवीर भाई सोमवीर भाई तो जनमन है समस्या हाँ जैन में ना भाई साहब एक तो पहली समस्या तो ये गेहूँ से पहले भी सरसम की समस्या है जो हमने CSE सेंटर पे ऑनलाइन करवा रखी है वो वेरीफाई नहीं है अच्छा। सबसे बड़ी समस्या तो फिलहाल ये चल रही है बिल्कुल। और दूसरी बात ये गेहूँ की आ रही है आपका जो जो साइलोम भेजन की कहने लाग रहे हैं जमींदार साइलोम नहीं ले जा सकता साइलो वाले से काम नहीं चलेगा काम तो आड़ती का चलेगा जमींदार से और साइलो से काम नहीं चलेगा बिल्कुल एक बात बता दी हमने जो यार्ड आड़ती है 12 नंबर वाले हैं रमेश एंडसन है जो जी बोले 12 है 13 कैमरामैन थी घुमा चुकर तक घुमा के दिखा दे भाई दिखा दे भाई चुकर तक घुमा दे तोड़ा हा स्पीड तक घुमा दे इतनी हड़ में तो दिन छिप जाएगा तो फिलहाल जो है किसान की जेन्युइन समस्या भाई कोई ना तो साइलो का राय को नहीं पावे इब हमने करा के करना पड़ा जी यार्ड तो लेकर जाना रुपये लेने के में और काम जी इब हमारा इनकम आवा जी छह महीने में उस तपल में आप नहीं बेरा जी आप
कोई जमींदार तो पूछ कर देखियो खर्चा कितना क्यों जाए। बिल्कुल ठीक बात, उड़ तो दवाई पानी का खर्चा लेना पड़ा जी, सैल वाले थोड़ी देंगे जी हम ना। सही बात है, सैलों की अगर मैं बात करूँ तो पूरा हरियाणा में फिलहाल पिल्लू खेड़ा की बात करा या भाई कलानौर की बात करा, भाई आज और सीट पे बिल्कुल तेरी भी सुनो जी, जो भी काम चल रहा है इन 8:30 बजे तो चल रहा है जी, 1,000 2,000 10,000 जो भी लेना पड़ा हम नहीं पल लेकर चले जाओ जी, नन्नू बेरा के मारा घेर के जाओ जमींदार मारे हैं इसे कारण सैलो वाला तो के बार अंडा नहीं रखे जी हम उनके यहाँ। सही बात है, यू भी एक रिश्ता भाई, आर्थिक का और किसान का भी एक बहुत गहरा रिश्ता है। बिल्कुल। क्या नाम भाई अपना? मेरा नाम रवित है, रवित 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 नेहरा, निंदाना गांव से जी। सर ये 2 दिन पहले ही फूड सब कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नोटिस आया है, हर फैक्ट्री को पहुंचा दिया गया है। अच्छा। कि आपने सारी गेहूं की फसल है 5 लाख क्विंटल की कैपेसिटी है साइलो की, ठीक है, कलानौर की, पहले उसको फुल करना है उसके बाद मंडी में गेहूं उतरवाना है। धर्मो भाई मैंने एक बात का जवाब दे दो, मान लो मैं 10 किले गेहूं बो रहा हूँ, मेरे पे ट्रैक्टर नहीं, मान लो ये मैंने किसी पे भाई पे किराया मंगा लिया, कंपेन कराया पे, बिल्कुल कंपेन कराया पे हुआ, 1 किला गेहूं काट के मेरी ट्रेली में गाल जाएगी, मेरी बाट देखता रहेगा भाई, कलानौर ताऊंगा मैं और यड़ गेर का जागा भाई, तू आ ले तेरे फ्री हो जा तेरे दूसरा किला काट दूंगा भाई। इस बात का जवाब कौन देगा भाई? बिल्कुल ये सरकार ने देना चाहिए इस बात का जवाब। और इसके गेले गेले जो साइलो की अगर मैं बात करूं, सरकार ने अगर ये सिस्टम ले आई है सरकार, तो साइलो के आसपास के जो किसान हैं उनको तो इस डाल की अनुमति दे दे भाई, तो हम अपने साइलो में घेर लो। साइलो के आसपास के गांव की ही कनेक्टिविटी ओनली साइलो में चाहिए, उससे दूर दराज के गांव को मंडी में ही फैसिलिटी दो। आपने बताऊं भाई 35 किलोमीटर पड़ जा भाई, आना जाना घर के नुकमे भाई, वो कंपनी वाला चा दिया फलाना कर घर क्या का मैं एक के देखा हूँ भाई, ठीक बात है, गेहूँ गेर का हूँ कि उन चा पकड़ा का हूँ। बिल्कुल। और इसके गले गले भाई जिस तरह किसान की जी फसल खराब हो है उसकी जानकारी डिजिटल तरीके से सरकार को देने का जो जरिया है वह पोर्टल कई बार ठप हो रहे हैं, वो तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं भाई, फसल बीमा योजना की बात करा जमा दावे सरकार के, हमने पोर्टल पर कदे शिकायत दर्ज करवाई और खुल पाया सिस्टम भाई साहब, मेरी सरसम पड़ी है भी लगे, कोई ठाणिया नहीं आंदा, बोले आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा, तेरे किले नहीं चढ़ रहे, पटवारियां ना आकर देखिए को नहीं तेरा किला, मेरा 14 किले में सरसम थी, 8 किले की मेरी 8 किले मेरी वेरीफाई कर रखी है, 6 किले की कित लेकर जाऊँ भाई, जो ये कहूँ हक बल्ले भाई तेरा 8 में है, पटवारी का बढ़ना गिर रहे हूँ वोट लेगा मेरी सरसम। सही बात है। अरीसा भाई किसान ने जो ये पोर्टल और ये जो वर्गमूल के सवाल आवे हैं तो प्रोफेसर नहीं बन जाए, क्यों भाई? सही बात है, जैसा किसान नहीं है वर्गमूल के सवाल आवे हैं, पोर्टल बंद है सरकार के, शिकायत दर्ज करवाने खातर या जो नुकसान वाले काकड़िया तो हो जाए है उसकी टाइम पे गिरदावरी को नहीं होती, टाइम पे किसान को मुआवजा नहीं। धर्मो भाई केशव नाम, एक मिनट देखो, एक बार या ई खरीद है, दिखाई भाई आ जाओ भाई पुरान दिखा दे, ये ई खरीद का सिस्टम बना रखा सरकार ने, बना रखा है सरसम का। यार मेरा नंबर है 90 682 94 832, कुछ नहीं दिखा रहा जी, ये देखो भाई कुछ भी नहीं दिखा रहा, ये हैंग हो रहा है इनके सिस्टम, दिखा दे दिखा दिखा दे, मतलब ये दोबारा डालियो नंबर, ये देख लियो तो हमें एक बार दोबारा दिखा भाई, हाँ ये कर इसमें सर्च कर 90 682, यह सरकार के पोर्टल का हाल है जिसमें सरकार ने कहा बोले भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों देख लो हम विकास करेंगे 72 घंटे, ये देखो माली जी किसका किसका देगा जी घर के मेरे तो जी दे रहा हूँ। तो फिलहाल ये तस्वीर मैम की अनाज मंडी में है, हम देखने लगे। अपने बात बताऊं, मेरा घर मशीन वाला चक्कर काट है, रुपये देगा जा भाई तेरे इतने 14 किले काट रखे हैं, क्या करूं भाई? बिल्कुल बिल्कुल, ना रुपये मेरे दो रहे ना ये भी क्यों कर ले लेंगे। आओ जी मास्टर जी, मास्टर जी भी कुछ गणित ले रहे हैं, यहाँ भी बताऊंगे आपके हो गए, क्या शुभ नाम है? पाले राम है। पाले राम जी बताओ जी क्या मामला है? मैं समस्या यह है जब हमने ये ऑनलाइन करवाई है ना, आगे तो वेरीफाई हो के नहीं आ रही, अच्छा आड़े गेट पास वेरीफाई के कारण गेट पास नहीं लग रही, गेट पास कौन हो रही? हाँ गेट पास, अरविंद तो किसान अति सीधा राह बता दिया बोले साइलो में गेर खाओ, हाँ साइलो वाली सरकार साइलो में बोले अर गे किराए के ट्रैक्टर आएंगे साइलो में, किसान कई दिन तीन उड़े लाइन में लगे, मान लिया 3 दिन कोई ड्राइवर भाई उड़े खड़े रह गया, वो तो तार पे दिहाड़ी मांगे चालू होती है,
गेहूँ की खरीद का जो सिस्टम बना रखा है सरकार ने, 1 अप्रैल से चालू होता है। आज कह तरह होली 7 है 8 सात होली दिन छप लिया, हाँ दिन छप लिया, ईब तक गेहूँ का कोई बरदाना नहीं आया ना गेट पास लकड़ दे गेहूँ के। सीधे कर्मचारी गेहूँ का बरदाना किस पहले लोगे? अच्छा हाँ सरकार तो यह मैंने रिक्वेस्ट है सारे किसाना की ये गेहूँ मंडी में गिरवा लो भाई, किसान परेशान की अगर मानती है सरकार तो मॉइस्चर मीटर लागे देखो गेहूँ सूखे हैं, सूख रहे हैं जब गेहूँ सूखा है तो उसमें स्टोरेज में क्या दिक्कत है? सही बात भाई, जब 12 में उसकी ऑनलाइन नहीं हो रही, उन्हें कम भाव में देनी पड़ रही है, मजबूरी है उसकी। तो हम देख सको भाई किसान के गले के बीतता है, पूरा साल जी वो मेहनत करे है, गोडे रगड़े है, खून पसीना एक करे है, धरती का सीना चीर के और ये सोना बैर काट है और वो सोना फिर न्यू न्यू धक्के खाने पड़े उन्हें। लियाइए मोस्टर का, लियाइए मोस्टर का, लियाइए एक बार, लियाइए भाई मोस्टर मीटर ले। क्या काम है भाई? एक बात बताओ आप, हमने उड़ते हम इन्हें लेके जाओगे मर दिख रहा है दे दे जी फालतू, हम उड़े लेके जाओगे ना क्यों करें फालतू दे कोई जमी ट्रैक्टर आ धनु पोछो दे वो मैं तेरे तरती जबती क्यों नहीं बेक लेंदे मैं तेरे गल्ले रहूंगा ईसा कोई कौन जी सब न काम न काम है जी आए दिन की दाड़ी मांगेगा इन इन भाई जी ना भी काम है किराया का ट्रैक्टर लेके जाओ तो कंडक्टर भाई उड़ा वो तो आए दिन की दाड़ी मांगेगा भाई अपनी दिन की मांगा जी कितना देवांगे हम तो फिलहाल मंडी में गिरवा लो क्यों माने तो फिलहाल तो हम देख सको भाई किस कदम हो भाई हम बस सरकार से यह अपील है इनकी वाना भाई किसान हम परेशान साहब मंडी में गिरवा लो एक तरफ तो जय जवान और जय किसान के नारे अरे हम तो नुकायु किसान परेशान हो गया किसान तो इन काम चल रहा है इनका गेर कोई खाद बीज के दे दे है ना टाला भाई छड़ी जाओ भाई इनका दौरा नहीं आवांगे तो फिर ये एक बार उरा आना भाई दिखाओ एक बार देखा जो मॉइस्चर की अगर बात है एक मिनट जी कैमरा नजदीक आ लें दो दिखाई भाई बताए देने दो 12 सरकार मांगती है सरकार कितनी मांगा है 12 11 11 अरे बनाइए दोबारा यू काम कर क्या किसान का गले दो सरकार का एक नारा है जी ना लेवांगे ना लेने देंगे किसी यानी के भाई किसान की रेरे माटी बिरान माटी बदीन माटी और बंके दाड़े वो काम कर रखा है किसान का गले पहले तो खेत में खदम खदा फिर मंडी में अरे बोले आगे जाओ साइलो में भगवान भी गल्ला पड़ रहा है कितने ओड़े कितने काकड़े कितने किमे किराया का साधन लिया होगा भाई वो किराया तो कौन रेट ओड़े पास बिठा रखे को कटाई वाली भी कौन थे दी बिल्कुल सही बात है भाई सारे हाथ खड़े करने लग रहे हैं सारी जो फसल एक बार भाई सुनो अटाणी दे हम एक मिनट दे आओगे हमने हां भाई अटाणी दे आओगे हमने हां अटाणी का रास्ता हो हमारा सारे भाई मोड़ बांध के और दो चार दिन में अपने ट्रेली पर उड़ पहुंच जाओ भाई काम तो ऐसा ही हो रहा भाई जो मन क्या काम पाल तड़ी का मशीन लग गए मंडी माड़ा हो गया बेरा लग गया भाई बेरा लग गया भाई के भाई मंडी में खरीद नहीं होगी तो सरकार का मुलाजिम है बात यह है सेलो भाई सेलो में ले जान भाई हमारा कोई समाधान नहीं सेलो में सरकार की एक एक करके सुनाएंगे जी फौजी भाई मेरी सुन ले भाई मैं 3 साल पहले फौज में था अच्छा फौज में नहीं माने अर्दाड़ा बहुत तंगी है ई बागे खेती करने लग गया फौज में सोचा करते तंगी है हाँ बिल्कुल जी ई बाढ़ आगे देखा नहीं माने हट के फौज में को बुला ले तो फौज में सुखी थे जनों तो हैं घने सुखी थे 7 दिन हो गए मैंने चक्कर काट देने 7 दिन जैनगे दफ्तर में कैमरे होने इनके दफ्तर में कैमरे हो चाहे पटवारी यो SDM ऑफिस है चाहे एग्रीकल्चर ऑफिस है चाहे वो कमेटी का ऑफिस है 7 दिन हो गए मैंने चक्कर काट देने और फौजी भाई की अगर मैं बात करूँ नोट यो आधार कार्ड इनवैलिड दिखा हुआ है 7 दिन हो गए मेरी सर सामने पड़े ने मैं रुखाड़ी करूं अगर बड़कन संभाल जवान की अगर मैं बात करूं भाई एक मिनट किसान की अगर मैं बात करूं किसान एक तरफ तो फसल पैदा करे और एक तरफ इसे जवान पैदा करे है जो सरहद पे अपने देश की रक्षा करे मैंने 99 नोट कर ले भाई 999-28-66-228 इनवैलिड आधार कार्ड दिखा हुआ 7 दिन हो गए मैंने खंबा धरो सर से पड़ी है मेरी भाई भाई पे दिखा है तेरे मुंह भाई ने 999 कोई नहीं ये तो मेरा अपना है नहीं काट रहे यू फिर यू भी इनवैलिड अच्छा आगे आगे जी इनवैलिड कौन हो ए जगवीर नाम है जी हां फौजी भाई है अपना गल है हां 46 क्विंटल सरसम पास है जी अच्छा
गेट पास कौन लगा दानो ले नहीं ले इसका गेट पास नहीं लगदा यो तो काम हो गया ऑनलाइन करवा रखे जी वो काम हो गया भले दरिया टेके छड़िए ना घर बार तेरा पंचायत का फैसला शर्माता है और पतनाला ओड़े चल लगा सरकार का ठीक हो काम करो ये लग एक बार देख लो ऑनलाइन करवा रखी है भाई एक मिनट हाँ ऑनलाइन करवा रखी है जगवीर भाई फौजी अपना इनका ऑनलाइन करवा रखी है 46 क्विंटल सरसम है ये भाई की आड़ा पड़ी है उदन का फौजी मेरे तो पूछा क्यों होया भाई कुछ नहीं उड़ा देख रखे ऑनलाइन ना होगी तो खेल बना रखे जमा इतनी बरन मट्टी और ये भाई सब कोई ट्रैक्टर चढ़ा जाए कोई दलिया काट के सरसम का तेल का लगाड़ के आड़े खड़ बन ली मंडी में पड़ी पड़ी है देखो भाई इस तरह ये देखो देखो ये कुकर सड़न लग रही है ऊपर तो मी आओगे ये मंडी में पड़ी पड़ी इसकी खड़ बन जाएगी वो काम हो रहा है दरमू भाई ऊपर तो मी आ गया इन ली नहीं सड़गी भाई यारे सड़गी भाई बांग बाड़े गई हमने बेरा हमने क्यूकर पैदा कर रखी है यार हमने बेरा क्या अच्छा भी क्यूकर आवा है फसल चलो भाई इन किसान की इन दुखद तस्वीर पर छोड़ के धरती जान लग रहे हैं वीडियो ने जिला के शेयर कर दो ताकि या जो गुंगी बारी सरकार है या जाग गैर किसान की सुध ले कर दो शेयर मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू।